press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक रिएक्शन के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत और पाकिस्तान के बारे में, और खासकर चर्चा करेंगी बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पे। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपको इसी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं, तुरंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। भारत की ये बेटी बहुत खुश हुई कि पाकिस्तान को लगता है कि नाज़िया बहुत अच्छी राय रखती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल रखती है। अच्छा मैम, सवाल है बेसिकली, आपको भी पता है बांग्लादेश की सिचुएशन इस टाइम क्या चल रही थी, और अभी तक प्रोटेस्टर्स जो हैं वो मतलब इतना ज्यादा अपने आप को शिद्दत पसंद दिखा रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं। इवन के शेख हसीना आपको पता है कि इंडिया चली गई उनसे भाग कर, और अब जो है वहां पर उनके पीएम हाउस से जो वीडियोज लीक हो रही है, वीडियोज निकल रही है, वो तो एक चीज ठीक है कि वो निकल रही है, लेकिन अब वो हिंदू टेम्पल्स तोड़ रहे हैं, अबादत गाहें दूसरी तोड़ रहे हैं, और अपना मतलब शिद्दत फैला रहे हैं। ये सारी सिचुएशन क्या है और कैसे कंट्रोल की जा सकती है, और इस पर आप अपनी क्या राय रखेंगी? अनम, सबसे पहले मैं थोड़ी से, आपने जो इंट्रो दिया है उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। सबसे पहला कि वो प्रोटेस्टर नहीं है, वो जिहादी है। दूसरा, शेख हसीना भागी नहीं है, उनको आर्मीज ने कहा चले जाने के लिए, जान बचा लीजिए। तीसरा कि जान बूझ करके बांग्लादेश के वो जिहादी टेररिस्ट उन वीडियोस को वायरल कर रहे हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को प्रोवोकेट करने के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बताने के लिए कि तुम भी अपने अपने देश में ऐसा कर सकते हो। तो ये आपके इंट्रो को मैंने करेक्ट किया है। अब बात आती है कि अनम, ये तो अब आपकी सरकार बताएगी कि कितनी फंडिंग किया है उसने बांग्लादेश के इन जिहादियों को, ये तो पाकिस्तान की सरकार बताएगी। मैम यहाँ पर तो खाने को कुछ है नहीं, तो फंडिंग कहाँ से होनी है यहाँ पर? तो आपके सामने नहीं नहीं अनम जी, ऐसा है, आप बहुत खूबसूरत खातून है, क्योंकि अब आपकी शादी हो चुकी है तो अब खातून हो चुकी है, अब आप लड़की रही नहीं। मैं पहले आपको ये बता दूं कि आपकी सरकार के पास अवाम के लिए पैसा नहीं है, आपकी सरकार के पास देश की उन्नति और देश के डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, आपकी सरकार के पास युवाओं को शिक्षित करने के लिए पैसा नहीं है, आपकी सरकार के पास अपने देश के सुकून और शांति और इकोनॉमिकल ग्राफ को बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन गधे बेच करके भी, गधे का दूध बेच करके भी, इंसान के किडनी, हिंदुओं की किडनी और गुर्दा बेच करके भी, मुस्लिम मुल्कों में जा करके भीख मांग करके भी, जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उनको बम गोली बारूद देने का पैसा आपकी सरकार के पास है? बिल्कुल है, हर हाल में है। अगर वाकई में सरकार के पास पैसा नहीं होता, वाकई में नहीं होता, तो फिर इतने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन आज तक पाकिस्तान में पल कैसे रहे हैं, फुसा कैसे रहे हैं? क्यों आपके पाकिस्तान की सरकार को इंटरनेशनल कोर्ट में जा करके ये एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है कि भारत से कोई गुमनाम आदमी आता है और हमारे यहाँ के टेररिस्ट को मार के चला जाता है? तो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन अनब ऐसे नहीं चलता है, बिना पैसे के नहीं चलता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुसलमान इस्लामिक देश है जो कहता है कि सुन्नत रसूल पर चलता है, जो कहता है कि अल कुरान पर चलता है, पर वो इब्राहिमिक रूल और बाबर और औरंगजेब की कही भी बातों पर चलता है। इस बात को आज नहीं मान रहा है पाकिस्तान, पर आने वाले 5 साल में पाकिस्तान को ये बिल्कुल खताब करके मानना पड़ेगा कि ये कोई इस्लामिक लोग नहीं है, ये बाबर और औरंगजेब की और शाहजहां की छठी औलाद हैं, ये बाबर की तरह जगह को लूटते हैं, लोगों को लूटते हैं, ये औरंगजेब की तरह, ये मुसलमान औरंगजेब की तरह
दूसरे धर्मों के लोगों का गला काटते हैं, दूसरे धर्मों की बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, और ये शाहजहां की तरह ये मुसलमान निहायत ही ठरकबाज होते हैं। हो गया क्लियर? अब आते हैं बांग्लादेश पर। शेख हसीना एक ऐसी मुसलमान औरत थी और एक ऐसी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने मुस्लिम इस्लामिक कंट्री में प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी बांग्लादेश को संवैधानिक तरीके से चलाया था, बांग्लादेश को कानूनी तरीके से चलाया था। आपको भी पता होगा, आपके बड़े बुजुर्गों को भी पता होगा कि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान से कटा बांग्लादेश 1971 में बना और पाकिस्तान से कहीं करोड़ गुना ज्यादा डेवलप और इम्प्रूव और शिक्षित बांग्लादेश हुआ। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा शिक्षा पर फोकस शेख मुजीबुर रहमान जो बंगा बंधु थे उन्होंने भी करवाया था, और जब शेख हसीना 15 साल से चेयर पर बैठी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश तो उन्होंने भी ढाका बांग्लादेश को बहुत ज्यादा शिक्षित करवाया था। आज जो जिहादी शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर खड़े हो करके अपना औजार निकाल करके मूत रहे हैं, वो किस पर मूत रहे हैं? जिन्होंने उनको बांग्लादेश दिया, जिनके पूरे परिवार ने अपना खून बहाया, जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दे डाला इन्हीं बंगा बंधुओं के चक्कर में, जिन्होंने ढाका और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान से निकाल करके बांग्लादेशी बंगालियों को बांग्लादेश बना करके दिया कि अब तुम अपने लोगों के साथ रहो, जिन्होंने कई शेख मुजीबुर रहमान ने कई परिश्रम किए, पूरा खानदान वो खो बैठे, सिर्फ शेख हसीना और उनकी बहन बच गई थी क्योंकि उस वक्त वो लोग जर्मनी घूमने के लिए गई हुई थी, इसलिए उन दोनों की जान बच गई। और फिर दोबारा फिर शेख हसीना अपनी बहन के साथ आई और फिर उन्होंने बांग्लादेश के कमान को और बांग्लादेश की सरकार को अपने हाथ में लिया और उन्होंने भारत से बहुत खूबसूरत और मधुर रिलेशन बना करके बांग्लादेश को बहुत ज्यादा डेवलप किया। आपको मैं बताती चलूं कि शेख हसीना के नेतृत्व में 1050 करोड़ डेली इकोनॉमिकल सिस्टम पर काम होता था डेली। ये जिहादी आज जो शेख मुजीबुर रहमान के स्टेचू पर अपना औजार निकाल करके मूत रहे हैं, 4 महीने के बाद ये पाकिस्तान के हुड़दंगों की तरह कलपते हुए और रोते हुए नजर आएंगे। 4 महीने के बाद इनको एहसास होगा कि जो जमायते इस्लामी जो पाकिस्तान के नेतृत्व में बना था टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उनके इशारे पर उन्होंने शेख हसीना को तो भगा दिया, लेकिन 4 महीने के बाद उनको ये एहसास होगा कि पाकिस्तान की अवाम की तरह बांग्लादेश के अवाम के हाथ में भी भीख का कटोरा होगा और आटे और चावल के लिए रो रहे होंगे, और क्योंकि ठीक पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के जमायत इस्लामी के नेतृत्व में बांग्लादेश के मुसलमानों ने हिंदुओं को खत्म कर डाला, माइनोरिटीज को खत्म कर डाला, तो अब बांग्लादेश के मुसलमान फिरके के नाम पर मुसलमान की ही बेटियों का पजामा खोलेंगे, उनका ही बलात्कार करेंगे और उनकी ही किडनियां बेचेंगे, उनके ही ऑर्गन के साथ ट्रैफिकिंग करेंगे, जो पाकिस्तान में अभी हो रहा है। जब तक पाकिस्तान में 23.7% के मोर और लेस माइनॉरिटीज थे, तब तक पाकिस्तान के लोग हिंदुओं को मारते थे, यहूदियों को मारते थे, ईसाइयों को मारते थे, सिखों को मारते थे, और जैसे ही उनकी पॉपुलेशन 1.8% पर आ गई पाकिस्तान में, अब वो अफगानिस्तानियों को मारते हैं, अब वो वहाबियों को मारते हैं, अब वो शिया को मारते हैं, अब वो बम फोड़ते हैं शिया की मस्जिद पर, अब वो अफगानियों की बेटियों को बलात्कार करते हैं और उनके धन दौलत को और बेटियों की इज्जत और आबरू को लूट करके उनको वहां से निकलवा देते हैं। हालांकि ये वही अफगान है
जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलल्लाह पढ़ते हैं, और ये वही पाकिस्तान है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलल्लाह पढ़ता है। तो सेम सिनेरियो 4 महीने के बाद से ही हम बांग्लादेश में देखेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहाँ पे आपने देखा नाजिया खान जी ने ना सिर्फ बात की भारत पाकिस्तान के बारे में बल्कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पर भी रोशनी डाली। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा हमारा सपोर्ट हमारा साथ बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ है, हमारे भाई बहनों के साथ है। तो आप भी अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोज लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद जय भारत।